तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी रियलमी का फ़ोन है, रियलमी की डिवाइस है और उसमें स्टोरेज जो है फुल हो चुका है और उसको अगर आप खाली करना चाहते हैं, फुल नहीं हुआ है तो आधा भी है, अगर उसको आपको खाली करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे हाथ में अभी रियलमी 11 प्रो प्लस फ़ोन, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी रियलमी की डिवाइस है तो उसको उसमें से अगर आपको अपनी स्टोरेज को खाली करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूएस टेक चैनल। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा आप देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ दिखा दी जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको स्टोरेज में, तो हम अपनी स्टोरेज को चेक करा देते हैं कि हमारी स्टोरेज कितनी भरी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे हमारा स्टोरेज है। देखिए यहाँ पे माई फाइल जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 251 GB 256 में से भरा हुआ है, यानी कि पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लास्ट में, तो ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 172 वीडियो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक करके सारी की सारी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट सारी की सारी को कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी वीडियो सेलेक्ट हो गई, यानी कि जो 172 वीडियो थी हमारी वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको नीचे डिलीट पे क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा था आपने कि फुल हमारा भरा हुआ था स्टोरेज, और देखिए ये डिलीट हो चुकी हैं। डिलीट होने के बाद अगर हम वहीं पर स्टोरेज पर फिर से जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी देखिए डिलीट कर दिया है, इसके बावजूद भी अभी हमारा पूरा का पूरा स्टोरेज फुल भरा हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से क्लीन करना है, तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या है कि दूसरे स्टेप में जाना है। दूसरे स्टेप में फिर से वहीं पे माई फाइल्स पे आना है। माई फाइल्स पे आएंगे तो इसके बाद नीचे को क्लिक करेंगे, नीचे को जिस तरीके से क्लिक करेंगे तो रिसेंटली डिलीट 163 GB यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसेंटली डिलीटेड 172 आइटम, यानी कि 172 आइटम यहाँ पर डिलीट किए हुए हैं और 163 GB का है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे ऊपर। तो जैसे ही सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको डिलीट नहीं करनी है उनको आपको टिक कर देना है, उनको हटा देना है ताकि वो डिलीट ना हो, और बाकी जो है उनको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने हटा दिया है, देख सकते हैं इनको हमको डिलीट नहीं करना है, बाकी सबको डिलीट करना है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो 164 जो आइटम दिखाई दे रहे हैं ये सभी डिलीट होंगे अब। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और प्रोसेस होने के बाद ही आपका जो फ़ोन है वो डिलीट हो जाएगा, और इसके बाद हम आपको स्टोरेज चेक कराएंगे कि हमारा कितना स्टोरेज जो है खाली हो चुका है। तो स्टोरेज खाली करने के लिए यही दो स्टेप आपको रियलमी फ़ोन में अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आप अपने फ़ोन में से स्टोरेज को जो है क्लीन कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर जैसे गलती से आपका गैलरी से कोई भी वीडियो डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवरी करने के लिए यहाँ से उसको रिकवरी भी कर सकते हैं कोई भी वीडियो को, तो इस वजह से ये दोबारा से डिलीट करना पड़ता है, इस वजह से ये दो ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अभी डिलीट के लिए देख लेते हैं कितने समय में ये जो है डिलीट हो जाएगा हमारा डेटा, और इसके बाद हम आपको चेक भी करा देंगे कितना डेटा जो है रिलीज हुआ है। देखिए अब इतना हमारा वीडियो बचा हुआ है, और अब चलते हैं हम वहीं पे अपनी फाइल्स पे। तो माई फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि महज 77.1 GB बचा हुआ है, बाकी हमारा पूरा का पूरा डेटा खाली हो चुका है। यहाँ से देखिए ये पूरा भरा हुआ था पहले, अब ये खाली हो चुका है। तो इस तरीके से अपने रियलमी के कोई भी डिवाइस में अपनी स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसे ही वीडियो में, जब तक लिए नमस्कार।